डियर स्टूडेंट्स आर यू रेडी जस्ट हाल में आर यू रेडी अच्छा मेरे बारे में एक्सक्यूज मी डू यू थिंक दैट आई एम रेडी यस आई एम रेडी ठीक है सो टर्म ऑफ अ बिल टर्म ऑफ अ बिल ये क्या मत चक्कर है भाई टर्म ऑफ अ बिल बिल का टर्म ठीक है देखते हैं क्या है द टर्म ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज देखो दिल एक्सचेंज का अगर कोई बात करें हेलो दिल एक्सचेंज का कोई बात करें तो बोलते हैं सातों जन्म तक हम साथ नहीं भाएंगे ऐसा कुछ तो सेवन लाइफ का टर्म फिक्स हो जाता है बट ये दिल एक्सचेंज का बात होता है बट यहाँ पर अभी बिल एक्सचेंज का बात हो रहा है ठीक है अच्छा आप लोग सोचते हो कि मैं किसको बोलता हूँ अरे मैं ऐसे ही काल्पनिक लोगों से बात करता हूँ भाई तुम लोग ये मत सोचो स्टूडियो में कोई नहीं है फिर भी मैं हेलो हेलो करके बात कर लेता हूँ सो आई एम लिटल मैड यू डोंट वरी गाइज मेरे को तो लोग दिखते हैं आप लोगों को नहीं दिखता मेरे को दिखते हैं अरे मेरे साथ बैठे रहते कभी कभी आइंस्टाइन न्यूटन वगैरह वगैरह बैठे रहते हैं उन लोग आइडिया देते रहते हैं मेरे को सो द टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन ठीक है भाई बिल एक्सचेंज का बात नहीं हो रहा बिल एक्सचेंज का बात हो रहा है एनी ड्यूरेशन एनी ड्यूरेशन सर दस साल पाँच साल अब देखो भाई क्या है यूजली अब एक बात बताओ दस साल पाँच साल ये जो बच्चा पूछना चाहता ना भाई एक बात बता तू किसी को माल बेचेगा उससे क्या पंद्रह साल बाद पैसा मांगेगा कॉमन सेंस लगा भाई ये काम जो कर रहे हैं बिजनेस के लिए कर रहे हैं बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो भाई कोशिश करते हैं जल्द से जल्द पैसा मिल जाए जल्द से जल्द नहीं मिले तो दो तीन महीने में मिल जाए सो यूज़ योर कॉमन सेंस भाई ठीक है लिख दिया एनी ड्यूरेशन अब लिख दो भैया हम तो दस साल लिख कर आएंगे हम तो सही है एनी ड्यूरेशन लिखा था ये तो जिद वाला बात है Usually, 90 आया ना बात? Usually, आम तौर पे, नब्बे दिनों तक का ही मामला रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल ठीक है वेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट द टर्म ऑफ द बिल बिगेन्स टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग अरे बाबा ये क्या कह दिया ये तो ऐसा है कि भाई जिस दिन हम आपको देख लेंगे हम उस दिन से आपको मोहब्बत करना चालू कर देंगे ये कोई बात हुआ मतलब तो आपको देखेंगे हेलो आपको देखेंगे और आपसे मोहब्बत करना स्टार्ट कर देंगे ये कोई बात हुआ आफ्टर साइट मतलब साइट मतलब देखने के बाद देखने के बाद आफ्टर साइट तो जैसे ही हम इस बिल को देखेंगे दिल को नहीं बिल का बात कर रहे हैं ठीक है जैसे ही हम इस बिल को देखेंगे बिल का टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा ये तो कुछ ऐसा हो गया कि बोलते ना उसको देखते के साथ आई फेल इन लव बस जैसे ही उसको देखा हेलो जैसे ही उसको देखा जस्ट आई फेल इन लव तो ऐसा होता है और वहां से बस मैंने मनी मन उसको अपना सब कुछ मना लिया सातों जन्म के लिए उसको बुक कर दिया तो सात जन्म का टेन्योर है वहां पर बट यहां पर सात जन्म का टेनियोर नहीं मैक्सिमम नब्बे दिन का टेनियोर है सो वेन बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ़ साइटिंग जिस तारीख को देखा उस दिन के बाद से चालू हो जाता है द बिल इज एक्सेप्टेड द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग वेन द बिल इज एक्सेप्टेड मतलब ये जिस दिन देखा बिल को और देखने के बाद भैया सिर्फ देखा नहीं देखने के बाद सिग्नेचर भी किया एक्सेप्टेंस मतलब सिग्नेचर साइंड वेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट ये तो आफ्टर साइट ये तो आफ्टर डेट द टर्म ऑफ द बिल बिगेन्स टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल जैसे आज हमने बिल बनाया पांच तारीख का तो बस आज से ही आज के बाद से चालू हो जा रहा है एक्सपायरी या ड्यू डेट ऑफ द बिल द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल टर्मिनेट्स इज कॉल्ड द एक्सपायरी ड्यू डेट ऑफ द बिल डेज ऑफ ग्रेस एवरी इंस्ट्रूमेंट यू नो वॉट द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड ऑफ थ्री डेज ऑफ ग्रेस तो तीन दिन का ग्रेस भी है. ये सब क्या ना एवरेज ड्यू डेट जब करेंगे हम लोग एवरेज ड्यू डेट का जो चैप्टर है और अकाउंट करेंट का जो चैप्टर है यहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ काम में आ जाते हैं डेट ऑफ मेचोरिटी ऑफ बिल इसीलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करेंट वगैरह जो चैप्टर्स है बहुत ज़्यादा ईजी है बट उसमें ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फंडा वो लोग कभी कभी ना कभी कोई क्वेश्चन में घुसा देते हैं अब वहाँ बच्चा एकदम हैरान परेशान तो इसी लिए दोस्तों ये चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से द डे आफ्टर डेट ऑफ मेचोरिटी ऑफ बिल द डेट्ट डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग थ्री डेज टू द एक्सपायरी या ड्यू डेट ऑफ द बिल इज़ कॉल्ड द डेट ऑफ मेच्योरिटी तीन दिन का समय एक्स्ट्रा दे दिया गया ग्रेस पीरियड बोलते हैं जैसे बच्चे जब फेल होते हैं तो सर ग्रेस मार्क्स दे दीजिए पास कर दीजिए द मेचोरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू इसका मतलब है ड्यू डेट प्लस थ्री डेज एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज गेट्स मेच्योर्ड ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल एक्सेप्ट वेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल अगर एक्सप्रेस कर दिया तो बाकायदा पूरा डेट वेट आ गया ठीक है जनरली ये क्या बोल रहे हैं कि एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज गेट्स मेच्योर्ड ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज़ एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल एक्सेप्ट वेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ये क्या चक्कर है ये क्या चक्कर है एक्सेप्ट कुछ कुछ चक्कर है दोस्त जनरली तो ये है ड्यू डेट प्लस थ्री डेज मगर अगर हमने कुछ और कह दिया कि नहीं भाई मेच्योरिटी ऑन डिमांड हो जाएगा तो भी थ्री डेज़ का चक्कर नहीं जिस दिन डिमांड उस दिन मेच्योरिटी मतलब जिस दिन हम मांगेंगे भैया तुम उसी दिन पैसा दोगे हाँ हाँ देंगे पर देखो यार कम से कम एक महीना मत मांगना एक महीना के बाद कभी भी मांग लेना तो ठीक है मैं चालीसवां दिन मांगू, पचासवा दिन मांगूँ साठवाँ दिन मांगू जिस दिन या एट साइट या ऑन प्रेजेंटेशन ठीक है तो ये तीन चीज़ है अलग या जनरल पार्लेंस में ड्यू डेट प्लस थ्री डेज बिल एट साइट बिल एट साइट बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मैंशनड पेमेंट का कोई टाइम नहीं है ठीक है अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड चेक में कोई देखो क्या होता ना चेक बना दिया डेट लिख दिया बस आज हम चेक डालेंगे पैसा मिल जाएगा बट हाँ ये नहीं कि डेट डेट है दस तारीख का और हम आज नौ तारीख को मांगने चले जाएंगे तो नहीं होगा अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड वेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तब तो जब मांगो तब मिलेगा वेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन नोट्स देख लीजिए एट साइट एंड प्रेजेंटेशन प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड ठीक है दोस्त एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मे बी प्रजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम सब एक ही चीज़ है मिलता जुलता है डेज ऑफ ग्रेस इज़ नॉट एडेड टू कैलकुलेट मेचोरिटी ऑफ सच टाइप ऑफ बिल्स जब ऑन डिमांड है कि भाई जिस दिन हम चाहेंगे तो फिर ग्रेस नहीं होता ना अब एक बात बताओ हम आपके घर आते हैं चाय पीने कि जिस दिन तुम्हारे घर आएँगे सुनो जिस दिन आपके घर हम आएंगे हम चाय पी के जाएँगे अब उसमें भी आप ग्रेस पीरियड लगा देंगे कि आप आज आए हैं तो तीन दिन का ग्रेस है अब आप एक काम करिए तीन दिन बाद चाय मिलेगा नहीं ना नहीं करेंगे ना वैसा ऐसा तब ठीक है तो भैया ये चाय वाला जो बात है अभी कंफर्म हो गया कि कभी भी अगर हम घर चले जाएं और चाय का डिमांड करें हम कि चाय पीना है तो आप तुरंत हमें चाय पिलाएंगे ठीक है सो बिल आफ्टर डेट बिल आफ्टर डेट बिल आफ्टर डेट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज मैंशनड अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट वेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन अ स्पेसिफिक डेट आफ्टर साइट ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन अब आफ्टर साइट टाइम इवेंट कैसे हो गया आफ्टर साइट मतलब भैया देखो जिस घड़ी जिस समय उनका दीदार होगा बस उसी समय तो बस समय आ गया ना आफ्टर साइट कौन से दिन कौन से समय द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मीन्स इन अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटमेंट फॉर साइट इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस और नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं अ चेक के नॉट बी अ चेक के नॉट बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट बिकॉज द चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड दो अ चेक कैन बी पोस्ट डेटेड एंड विच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन और आफ्टर सच डेट अ चेक हैज़ अ वैलिडिटी ऑफ नाइन्टी डेज फ्रॉम इट्स डेट आफ्टर दैट इट बिकम्स वॉइड मतलब कहने का मतलब है फर्स्ट जनवरी का चेक है ठीक है तो उसके बाद 90 डेज़ तक का ही वैलिडिटी मतलब अगर हम समझ लीजिए मे में जाते हैं तो नहीं होगा फर्स्ट जनवरी का चेक दस जनवरी को जाइए बैंक को दे देगा बीस जनवरी को जाइए दे देगा तीस जनवरी को दे देगा वर्ल्ड वैलेंटाइन डे को जाइए दे देगा दे वो नब्बे दिन के बाद नहीं देगा स्टेल चेक बोला बासी चेक हो गया ये ठीक है नब्बे दिन तक ही ताज़ा है देखो यहाँ ये भी लिखा हुआ नॉर्मली टर्म एज स्टील चेक और एज द बैंक विल नॉट ऑनर सच चेक ओके हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ अ बिल तो ये सब इम्पोर्टेंट है नोटिंग चार्जेस देखना है बहुत कुछ देखना है इलास्ट्रेशन में बस आने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल द ड्यू डेट ऑफ ईच बिल इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोस वेन द बिल इज मेड पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट दैट स्पेसिफिक डेट विल भी द ड्यू डेट वैलेंटाइन डे को दिन तुमको देना है बस वही ड्यू डेट है ठीक है बच्चे क्या मांगते हैं वैलेंटाइन डे में ठीक है ये नहीं कि नहीं आज नहीं आफ्टर थ्री डेज नहीं जी हमको तो आपसे आज ही सुनना है आई लव यू अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो आज ही तुमको इकरार करना होगा ऐसा होता ना ये नहीं कि तीन तीन दिन का ग्रेस नहीं लगेगा उसमें या आज बोले हो तो तीन दिन का ग्रेज दो ऐसे नहीं होता अ बिल इज पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट सर आप इतना प्यार मोहब्बत का बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये को जैसे मैं ये बिल वर्ड सुनता हूँ ना तो मेरे को ये दिल वर्ड मेरे कान में आता है में क्या करूं? मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ यार क्योंकि ये बिल बिल अच्छा नहीं लगता यार सारा देर बार बिल 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 नो 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 इससे अच्छा दिल 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 वो अच्छा लगता है When the bill is made payable at a stated number of months after date, the date on which the term of the bill shall expire will be the due date. Note the term shall expire on that, that date of the month which corresponds with the day on which the bill is created. If the month in which the period terminates has no corresponding day, द पीरियड शैल बी डीम्ड टू एक्सपायर ऑन द लास्ट डे ऑफ सच अ मंथ ये कैसा है अगर समझ लीजिए तीस जनवरी और फिर कहा वन मंथ तो तीस फेबररी तो होता नहीं है तो इसीलिए फेबररी का लास्ट डेट और अगर समझ लीजिए सताईस फेबररी वन मंथ तो सताईस मार्च तो उस तरीके से For example, bill signed on 31st January, payable after three months, will be due on 30th April. Because April may be 31 days not. So last day. When the bill is made payable at a stated number of days after date, that date which comes after adding stated number of days to the date of bill shall be the due date. नोट द डेट ऑफ बिल इज एक्सक्लूडेड वेन द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे द प्रिसनेस डे विल बी द ड्यू डेट प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग प्रीसीडिंग मतलब एक दिन बिफोर वन डे बिफोर ठीक है वेन द ड्यू डेट इज एन एमरजेंसी ड्यू टू अनफोरसीन हॉलीडे द नेक्स्ट फॉलोइंग डे विल बी द डेट मतलब आज का दिन था समझ लीजिए कुछ भी दिन था चौदह लेट से सिक्सटीन अगस्त और अब समझ लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि ये आज नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर हो गया या कुछ भी हो गया तो भाई सोलह के जगह फिर सत्रह नोट द टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज द टर्म ऑफ अ बिल आफ्टर साइट कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल वेर इज द टर्म ऑफ बिल आफ्ट डेट कमेंसेज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स यू जस्ट अंडरस्टैंड नोटिंग चार्जेस इट इज ने फैक्ट ऑफ डिजॉनर एंड द कॉजेज ऑफ डिजॉनर शुड बी एस्टेब्लिश इफ द एक्सेप्टर एक बात बताओ डिजॉनर कौन करेगा बबलू भैया ने एक्सेप्ट किया था ना जो बिल मैंने भेजा था मैं हूं अमित मैंने बिल भेजा था तो एक्सेप्ट तो बबलू भैया ने किया था कि हाँ जी हम देंगे पैसा इफ़ द एक्सेप्टर कैन प्रूव दैट द बिल वाज नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेड टू हिम फॉर पेमेंट ही एस्केप लाइबिलिटी अब बबलू भैया बोला रहे मेरे को मिला ही नहीं भाई हम तो बोले थे देंगे बट मेरे को दिया ही नहीं कोई और फिर बोलते हम नहीं दिए ऐसा थोड़ी ना हमको मिला ही नहीं यार देर फॉर इफ़ देर इज़ डिज़ ऑनर और फियर ऑफ़ डिज ऑनर मतलब डर है कि ये पैसा नहीं देगा ठीक है द बिल विल बी गिवेन टू अ पब्लिक ऑफिशियल नोन एज नोटरी पब्लिक अब मेरे को डर है कि बबलू पैसा नहीं देने वाला तो मैं नोटरी पब्लिक के पास गया दीज ऑफिशियल प्रजेंट द बिल फॉर पेमेंट नोटरी पब्लिक के पास क्यों जा रहे हैं बस ये आप मेरे को बताइए ये जो बबलू है ये बड़ा ही बदमाश है अब देखो बबलू से मेरे मैंने लिया था मैं हूं अमित अब मैंने बिनोद को दे दिया बिनोद जो है ना हमारा बिनोद अब विनोद गया बबलू के पास अब बबलू विनोद से मिल ही नहीं रहा है बोलो नहीं है भैया नहीं है यहाँ है वहां होता ना किसी को पैसा देना है तो वही आदमी भाग जाता है इधर उधर अब विनोद हमको आके बोल रहा है रहे हैं अरे यार वो बबलू तो पैसा नहीं दे रहा है मैं बबलू को फोन कर अरे भैया बबलू क्या कर रहे हो यार पैसा नहीं दे रहे हो यार कोई बात हुआ वो विनोद तुम्हारे घर के चक्कर काट रहा तो दे नहीं रहा यार गलत बात है वो यार कब आया विनोद वो भाई पूछ ले तेरी भाभी से वो मैं सारा दिन घर पे था यार तेरा दोस्त विनोद झूठ बोल रहा है यार भेज कल ही भेज मैं कल ही पैसे दे देता हूँ फिर विनोद जाता है कल फिर वो कोई बहाने मार देता है बड़ा दिक्कत हो गया और वो विनोद को झूठा कह रहा है बोला नहीं विनोद आया ही नहीं मैं मेरे को तो मैं तो रेडी हूँ यार पैसे देने के लिए अब समझ लो अमित है कलकत्ते में यह है दिल्ली में तो समझ में नहीं आ रहा अच्छा आजकल तो देखो टेलीफोन का ज़माना हो गया व्हाट्सएप का ज़माना हो गया बट ये सब जो बात है ये तो उस ज़माने में था जब फ़ोन भी नहीं लगा करते थे तो ये सब बात को भी समझना होगा ठीक है तो क्या करें फिर ऐसा सिचुएशन है तो क्या करें तो भाई हमको तो कोई विटनेस चाहिए ना कोई सबूत चाहिए तो सबूत कौन बनेगा विटनेस चाहिए तो हम क्या करते हैं नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं ठीक है नोटरी पब्लिक कहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्प करेगा कैसे करेगा दीज ऑफिशियल्स प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट विनोद का बात तो चलो झूठा हो सकता है बट ये तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है ये झूठ क्यों बोलेगा इसको तो कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो दीज ऑफिशियल प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट एंड इफ द मनी इज रिसीव्ड दे विल हैंड ओवर द मनी टू द ऑरिजिनल पार्टी तो भैया विनोद को पैसा नहीं दे रहा पता नहीं क्या चक्कर है तो नोटरी पब्लिक के पास गया कि सर सर थोड़ा हेल्प करिए ना जैसे अपने पुलिस के पास जाते ना कंप्लेन करने के लिए कि भैया देखिए तो थोड़ा समझाइए ना इसको तो नोटरी पब्लिक जा रहा है अब नोटरी पब्लिक को भी अगर देखो जिसको पैसा नहीं देना है ना वो किसी को नहीं देगा तो कम से कम एक सबूत तो हो गया ना कि भैया नोटरी पब्लिक को मना कर दिया तो नोटरी पब्लिक देखो विनोद झूठ बोल सकता है नोटरी पब्लिक झूठ नहीं बोलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बट इफ द बिल इज डिजॉनर्ड दे विल नोट द फैक्ट ऑफ डिजॉनर विद द रीजन एंड गिव द बिल बैक टू क्लाइंट फॉर दिस सर्विस दे चार्ज अ स्मॉल फी दिस फी इज नोन एज नोटिंग चार्जेस द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉनर अब एक बात बताओ अब विनोद को भेज रहे थे बबलू भैया पैसा नहीं दे रहे थे अब नोटरी पब्लिक गया और हमारे हम पास पंद्रह सौ रुपया का बिल बना दिया नोटरी पब्लिक को देना होगा और विनोद से हमको लेना था पचास हजार तो हम विनोद को बोलेंगे ना यार विनोद बोल देते यार कि नहीं है पैसा कोई दिक्कत है हमको झूठ बोले कि नहीं आ, इसको नहीं बोल बबलू बोले कि विनोद बोले चलो जो भी बोले भावना को समझ जाइएगा कभी कभी हो जाता है कि मुँह से बोलना दिल से चाहते हैं बबलू बट निकल जाता है विनोद तो बोले भैया बबलू पैसा दे देते नहीं पैसा था तो क्यों हमको झूठ बोले यार अब तो देख भैया बबलू पचास हज़ार तो जो पहले का पाएंगे वो तो लेना ही है और ये पंद्रह सौ रुपया जो नोटिंग चार्जेस लग गया तो अब तुम हम पाएंगे इक्यावन हज़ार पाँच सौ रुपये क्या आपको लगता है बबलू बोलेगा नहीं देंगे क्या बबलू बोल सकता है नहीं देंगे नहीं बोलेगा सपोज एक्स रिसीव्ड सपोज एक्स रिसीव्ड फ्रॉम वाई अ बिल फॉर वन थाउजेंड so x y on maturity the bill is dishonored and 10 is paid as noting charges the entry in this case will be suppose x received from y to so, x received from Y. तो ये भाई साहब एक्सेप्ट किए थे ठीक है ये रिसीव किए थे तो पैसा एक्स को मिलना था मिलना था सपोज एक्स रिसीव फ्रॉम वाई अ बिल फॉर वन थाउजेंड ऑन मेचोरिटी द बिल इज डिजॉनर्ड एंड टेन इज पेड एज नोटिंग चार्जेस द एंट्री इन दिस केस विल बी तो वाई तुम तो धोखा दो दे दिया भाई तो वाई को डेबिट करो वन जीरो वन जीरो से तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करो क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल तो आपका कोई वजूद नहीं रहा ठीक है और बैंक से मेरा दस रुपया निकला या कैश से निकला उसको क्रेडिट कर दो सो so, बहुत सिंपल था ये सपोज एक्स हैड एंडोर्स दिस बिल इन फेवर ऑफ जेड इन दैट केस एंट्री फॉर डिजॉनर्ड बिल वुड हैव बीन देखो वाई से तो लेना है और जेड को देना है ठीक है क्योंकि अब Z को कल तक एक हजार देना था बट Z बोलेगा भैया दस रुपये जो प्रोटेस्ट चार्ज है वो भी दो तो ये सेम टू तो सेम चार्ज हम Y से ले लेंगे तो ये वन ज़ीरो वन जीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो दिस इज बिकॉज जेड विल क्लेम वन जीरो वन ज़ीरो फ्रॉम एक्स एंड एक्स हैज़ द राइट फॉर रिकवरिंग वन जीरो वन ज़ीरो फ्रॉम वाई सिमिलरली इफ द बिल हैज been डिस्काउंटेड विद बैंक द एंट्री विल बी बैंक को देना है और वाई से लेना है तो ये देन लेन का बात था मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी हुई होगी नहीं नहीं सर हम लोगों को बिल लेने देने में परेशानी हो सकती है सर इस एज में सर अब दिल लेने देने का बात करिए ना हम लोग लिए घूमते ठीक है आगे समझते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल अब आप लोग पूछो सर दिल भी रिन्यू होता है क्या ये तो भैया डिफिकल्ट क्वेश्चन है सोच के बताएंगे बट तो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल पर समटाइम्स द एक्सेप्टर इज़ अनएबल टू पे द अमाउंट एनी हिमसेल्फ मूव्स दैट ही शुड बी गिवन एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता ना भाई बबलू पहले से ही बोल दिया अरे भैया माफ़ कर दीजिए पैरवेर पकड़ ले रहा है ठीक है एंड इन कंसिडरेशन अग्रीज टू बेर इंटरेस्ट मतलब देखो एक लाख रुपया तुमको देना था मैं हर महीना एक हज़ार रुपया एक्स्ट्रा दे दूँगा इंटरेस्ट चार्जेस फॉर द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यूअल टिल द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेटलमेंट को छः महीने का और टाइम दे दो मैं एक लाख की जगह एक लाख छः हज़ार दे दूँगा तो इससे क्या होगा छः महीने का एक्सटेंशन ले लिया इन सच अ केस अल बी ड्रॉन एंड द ओल्ड बिल विल्ड क्योंकि ओल्ड का खत्म करो इफ दिस है ओल्ड बिल तो ओल्ड बिल कैंसिल करना है तो उसको रिवर्स कर देंगे दिस इज डन एग्जैक्टली एज ऑलरेडी एक्सप्लेन फॉर डिजोनर तो डिजोनर का जो एंट्री है वो सेम एंट्री है वैन द न्यू बिल इज रिसीव्ड एंट्रीज फॉर द रिस बिल विल बी रिपीटेड जैसे नया बिल का होता वही जाएगा बस फर्क ये कि वहां एक लाख का डिजॉनर है या एक लाख का है और यहाँ एक लाख छह हजार का है द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल मे बी मे रिप्रेजेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग नया बिल बनेगा तो क्या क्या होगा उसमें वेन द ड्रॉइ pays नथिंग अब कुछ नहीं दे रहा तो टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ठीक है वन द ड्राई पेज द इंटरेस्ट अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल अब बोलते ना कि छः महीने बाद देना है तो छः महीने का छः हज़ार इंटरेस्ट होता है बोला भैया भरोसा नहीं है तो ये इंटरेस्ट तो बोला नहीं यार तेरा कोई भरोसा नहीं है अभी एक लाख तो तू दे नहीं रहा है अब तो छः महीना बाद बोलता छः हज़ार और दूंगा तू देगा नहीं ना तो एक लाख देगा भाई ना तो छः हज़ार देगा तो उस जगह पर बोलता है एक काम करे भैया भरोसा नहीं है ना तो ये छः हज़ार रुपया रखिए अभी एडवांस में इंटरेस्ट का पैसा रख लीजिए और मैं आपको फिर से साइन करके दे देता हूँ बिल तो ये बात तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी वेर द ड्रॉइ मेक्स पार्ट पेमेंट ऑफ द ओरिजिनल बिल और इंटरेस्ट अमाउंट और बोथ वो जितना दे दिया है द पार्ट ऑफ द टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल एज वेल एज द इंटरेस्ट द एक्सटेंड ये तो ठीक है ये सब में तो कैलकुलेशन है सिंपल कि कितना देना था कितना लेना था तो उस हिसाब से काम कर लेंगे

ऑफ़ द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड मतलब कहने का मतलब है जून में हमको देना था और अभी मार्च है बबलू भैया जब हमसे जनवरी में डील किए तो जनवरी में बबलू भैया बोले कि देखो भैया अभी बोल नहीं सकते हैं तो बट जून तक का बिल बना देते हैं जून तक हम दे देंगे अब बबलू भैया का लॉटरी लग गया मार्च में ही उसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया तो वो तो चाहेंगे कि भाई मार्च में दे दें भाई बहुत सारे लोग नहीं भी चाहते हैं कि नहीं पैसा है तो है नहीं देंगे नीयत खराब रहता वेन द एक्सेप्टर है स्पेयर फंड मच बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय हिम इन सच सरकमस्टांसिस ही अप्रोचेज द पे ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आस्क हिम वेदर द पे इज प्रिपेर टू एक्सेप्ट कैश बिफोर द मेच्योरिटी डेट अब आप लोग बोलेंगे सर क्या बेवकूफ है क्या बबलू भैया जब वो जून में जून तक वो पैसा देने का उसको परमिशन है तो सर जैसे जून में इसको एक लाख देना है सर ये मार्च में जाके पैसा क्यों देगा वाई ही गो यू ही डू हिज बिजनेस पैसा देने वाला तो सर सुना तो नहीं कि पैसा देने वाला चला चला के आता है ले ले भैया ले ले तो कुछ ना कुछ तो इसमें स्कीम होगा तो इसको जून में देना है एक लाख तो ये बोलेगा सुनो भैया मार्च है अभी बोलो तो अभी का अभी पैसा दे दे बट अभी के अभी पैसा लेना है तो मैं एक लाख की जगह नाइन्टी सेवन दूंगा बोलो मंजूर है इसे कहते हैं रिबेट इन सच केसेस द एक्सेप्टर गेट्स अ सर्टेन रिबेट और इंटरेस्ट और डिस्काउंट फॉर प्री मेच्योर पेमेंट द रिबेट बिकम्स द इनकम ऑफ द एक्सेप्टर एंड एक्सपेंस ऑफ द पे इट इज अ कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्री मेच्योर पेमेंट तो आई थिंक ये भी एकदम क्लियर है इलस्ट्रेशन में आ जाइए विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन फॉर रुपीज वन लैख सिक्स थाउजेंड अरे कमाल का बात हो गया भाई ये मेरे ताऊजी का नाम है और ये मेरे पिताजी का नाम है ठीक है भाई तो विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन फॉर वन लैख सिक्स थाउजेंड फर्स्ट सेप्टेंबर 2016, हज़ार सोलह एक लाख छः हज़ार प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ एक थ्री मंथ्स बिल तो थ्री मंथ्स बिल तो अक्टूबर नवंबर, दिसंबर तो फर्स्ट दिसंबर तो प्रीतम जी का कहना है कि हम फर्स्ट दिसंबर को ये एक लाख छः हज़ार रुपया दे देंगे ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ टू मंथ्स. तो अब यहाँ से दो महीना मतलब एक फेबर विजय अग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट नाइन परसेंट वॉज पेड इमिडियटली इन कैश सो एक लाख हज़ार. पॉइंट नाइन टू छ हजारीरोल्व इतना पैसा तुम अभी तुरंत दे दूंगा to this pritam was agreeable the second bill was met on due date the second bill was met on 1st february give journal entries in the books of vijay and pritam so in the books of vijay देखो जैसे ही हम अब मेरे ख्याल से जितना हमने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया था अब आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई चीज समझ में आ रहा है अब जैसे ही विजय जी ने इन द बुक्स ऑफ विजय है इन्होंने जैसे ही गुड्स बेचा तो ये बन गए डेटर क्योंकि कैश में तो आया नहीं अगर कैश में आया होता तो प्रीतम अकाउंट डेबिट नहीं होता यहाँ सीधा होता कैश अकाउंट ठीक है बट कैश तो आया नहीं तो प्रीतम अकाउंट आया क्या अभी बिल्स आ गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे क्या हम लोग अभी अभी तो बेच बेचा गया है बाद में बिल विल बनेगा ठीक है तो अभी इमिडिएटली दिस इज प्रीतम अकाउंट डेबिट एक लाख छ हज़ार एक लाख छ हज़ार टू सेल्स अकाउंट अब जिस दिन प्रीतम भाई साहब ने बिल्स रिसीवेबल दे दिया तो प्रीतम जी को अब डेटर नहीं मानेंगे इन्होंने अपना डेट जो है एक बार उतार दिया है तो डेट उतारना था इनको कैश देकर बट इन्होंने कैश नहीं दिया जी इन्होंने बिल्स रिसीवेबल दिया ठीक है तो so, प्रीतम जी जो डेबिट में है प्रीतम जी को क्रेडिट में कर दो तो प्रीतम जी को क्रेडिट में कर दिया और नया एसेट क्या आया बिल्स रिसीवेबल आया तो एकदम ईजी है ठीक है जी थ्री मंथ्स एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम प्रीतम फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अब चार दिसंबर को चार दिसंबर को ये रिवर्स हो जा रहा है डिजॉनर हो गया ना एक तरह से कि नहीं भाई ये बिल तो हम नहीं दे पाएंगे तो जब नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब रिवर्स करना है तो ये जो डेबिट है इसको क्रेडिट और ये जो क्रेडिट है इसको डेबिट उल्टा हो गया तो उल्टा कर दो भैया कोई दिक्कत नहीं है उल्टा हो गया अब प्रीतम जी ने इंटरेस्ट दे दिया ठीक है सो ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा अपने आप कैलकुलेटर देखकर तो प्रीतम जी ने इंटरेस्ट दिया अभी तक दिया नहीं है ये इंटरेस्ट देंगे ठीक है देखो यही फर्क है दिया होता तो कैश अकाउंट डेबिट होता है बट अभी दिया नहीं है कैलकुलेशन हो रहा है सो so, प्रीतम अकाउंट डेबिट इनसे अब लेना है इंटरेस्ट का पैसा लेना है लेना है लेना है किसका पैसा इंटरेस्ट का पैसा ठीक है तो जैसे ही पैसा आएगा जैसे ही पैसा आ जाएगा तो वो हो जाएगा कैश टू प्रीतम क्योंकि इंटरेस्ट का इनकम तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक लाख छ हजार का कैश अकाउंट पंद्रह फिफ्टी नाइनटी टू प्रीतम वन जीरो सेवन फाइव नाइन जीरो अब ये जो एक साथ किया है हम लोग चाहते तो इसको अलग भी कर लेते ठीक है कैश को हम लोग कैश टू प्रीतम वन फाइव नाइन जीरो कर लेते और ये एक लाख छ हजार यहां भी एक लाख छ हजार कर लेते कोई दिक्कत नहीं कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक लाख छ हजार एक लाख छ हजार क्योंकि ये अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि चार दिसंबर से दो महीना होता है चार फरवरी तो यहां पर ये सात फरवरी क्यों है दोस्त तीन दिन का ग्रेस भी तो था तो आदमी ग्रेस पीरियड को ऐड करके ही पैसा देना चाहता है तो यहां पर पैसा मिला सात तारीख को अब प्रीतम जी के बुक्स में परचेज किया वन लैख सिक्स थाउजेंड टू विजय अकाउंट विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट वापस से बिल्स पेएबल अकाउंट टू विजय अकाउंट इंटरेस्ट टू विजय विजय टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल जस्ट रिवर्स हो रहा है यार रिसीवेबल है या है, बिल्स बैंक हो गया ये, तो इलास्ट्रेशन वन का एक साइड भी अगर समझ लेंगे तो बाकी आप आराम से समझ सकते हैं, अब हमें देखना है इलास्ट्रेशन नंबर टू on 1st january 2016 ankita sells good for 5 lakh to bhavika and draws a bill at 3 months for the amount 1st january 2016 ankita sells good for 5 lakhs to bhavika so it is ankita इट इज बढ़िया अच्छा नाम है भाई एंड ड्रॉज अ बिल एट थ्री ध्यान दो फर्स्ट जनवरी तो फर्स्ट जनवरी को अगर बिल ड्रॉ हो रहा है तो ये शायद फर्स्ट अप्रैल को ड्यू डेट है बट ग्रेस भी तो ऐड करना है ठीक है अभी वो सब बाद में देखेंगे टेक्निकलिटीज़ भाविका एक्सेप्टिटर्स इट टू अंकिता ऑन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंडीन भाविका रिटायर्स एक्सेप्ट अंडर रिबेट ऑफ ट्वेल्व पर एन एम रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ अंकिता एंड भाविका ये क्या हो गया ये मतलब क्या है भैया रिटायर हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एंड रिबेट का तो हमने कुछ पढ़ा था थोड़ा देर पहले कि हम पहले ही दे देंगे तो क्या ऐसा हो रहा है कि एक अप्रैल को देना था पर हम एक मार्च को दे दे रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है मेरे को अब कभी कभी अगर इंग्लिश नहीं भी समझ में आए तो क्या हम अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं क्या तो हम वही लगाएँगे अभी तो रिबेट का चक्कर लग रहा है सो so, एक महीना पहले बारह परसेंट करके तो एक परसेंट पर मंथ हुआ तो पाँच लाख का एक परसेंट पाँच हजार रुपया होता है तो मतलब पाँच हजार का रिबेट मिल जाएगा पाँच लाख का एक परसेंट पर मंथ क्योंकि बारह परसेंट पर है ना ठीक तो है ये देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ अंकिता का अकाउंट टू तो सेल्स अकाउंट ठीक है बिल्स रिसीवेबल टू भाविका एकदम ठीक है बैंक अकाउंट देखो एक मार्च को ही पैसा मिल जा रहा है तो बैंक में क्या पांच लाख मिलेगा नहीं थोड़ा कम मिलेगा तो बैंक में आया फोर फाइव रिबेट पांच हजार ये मेरा एक्सपेंस है बींग द रिटायरमेंट ऑफ बिल बाय भाविका वन मंथ बिफोर मेच्योरिटी

फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कतराक्ष बुक बाबा खतरनाक कतराक्ष एक्सेप्टेंस टू बासु टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड जर्नलाइज करना है मस्ती से करेंगे कतराक्ष एक्सेप्टेंस टू बासु तो भैया इधर है बासु इधर है कतराक कतराक्ष एक्सेप्टेंस टू बासु मतलब बासु ने बनाया है बिल इसने किया है एक्सेप्टेंस कतराक ने फॉर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब बासू ने दो हजार पाँच सौ का कोई गुड्स बेचा है इसने बिल दिया है डिस्चार्ज बाई अ कैश पेमेंट ऑफ वन थाउजेंड तो करतराक ने कैश दे दिया एक हजार तो बचा कितना पंद्रह सौ एंड अ न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस फिफ्टी रुपीज फॉर इंटरेस्ट तो पंद्रह सौ प्लस पचास यही कहानी है आइए देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ कतराक क्या बोल रहे हैं अच्छा देखो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है भूल ये सब में फंसीएगा मत ठीक है कतराक के बुक्स में तो कतराक क्या बोलेगा बिल्स पेबल अकाउंट 2500 इंटरेस्ट अकाउंट पचास रुपये कैश अकाउंट हज़ार रुपये बिल्स पेबल अकाउंट पंद्रह सौ पचास देखो दोस्त इसमें क्या है कतराक कतराक को पैसे देने थे समझो मेरा बात को बासु को तो जब भी मेरे को पैसे देने होते हैं तो मैंने कुछ खरीदा होगा पहले परचेज टू बासु किया होगा बासु मेरा क्रेडिटर है फिर तो बासु को मैंने बिल्स दिया होगा तो बिल्स पेबल ये पहले मैं बासु को डेबिट में ले आऊँगा ये मेरा क्रेडिटर है तो बासु अकाउंट डेबिट टू तो बिल्स पेबल अकाउंट होगा तो इससे क्या होता है बासु गया अब ये बिल्स पेबल अकाउंट मेरा क्रेडिट है जो कि मेरे को पच्चीस सौ रुपया देना है अब मैं इस बिल को मॉडिफाई कर रहा हूँ तो इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म होगा तो ये पच्चीस अब डेबिट होगा तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो इससे पहले का एंट्री मैंने आपको लिख के दिखा दिया है तो बिल्स पेबल अकाउंट पच्चीस सौ रुपया ये डेबिट हो गया क्योंकि तो पुराना बिल जो था पच्चीस सौ रुपये का इसको तो हमने ऑनर नहीं किया ठीक है तो ये ऑनर नहीं किया ये तो तुरंत रिवर्स करते के साथ काम हो गया अब इंटरेस्ट का पचास रुपया देना है तो इंटरेस्ट मेरा खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कैश निकल गया मेरा हज़ार रुपया और आगे जो बिल्स पेबल है वो है पंद्रह सौ पचास का तो इस तरीके से अपने को तोड़ तोड़ के एंट्री करना है तो आज मेरे ख्याल से इलास्ट्रेशन नंबर तीन ही लास्ट इलस्ट्रेशन रखते हैं जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर फोर थाउजेंड विच वॉज एंडोर्स्ड बाई का टू एम मेहता वॉज डिजॉनर्ड मेहता पेड ट्वेंटी नोटिंग चार्जेस बिल विड अगेंस्ट चेक तो इसको भी समझते हैं अच्छा से पहले आप एक काम करिए इस पूरा इलस्ट्रेशन को यू ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट मैं नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि एक बार आप लोग ट्राई करिए उसके बाद अगर मैं कराऊँ तो मज़ा आएगा ठीक है सो so प्लीज़ आप लोग ट्राई करिए तो आज मैं यहीं छोड़ रहा हूँ आपको प्लीज़ आप लोग ट्राई करिए अब यहाँ से कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है बट टेक्निकली अपने को चीज़ों को समझना है तो इसको आप समझिए और ट्राई करिए तो ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर बाद में